गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पिंकी बैनर्जी। आज हम लोग एटेन्यूएटर पढ़ेंगे। एटेन्यूएटर चैप्टर हमारे यूनिट 3 में है। नेटवर्क एंड लाइंस आप लोग का सब्जेक्ट है, फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो नेटवर्क एंड लाइंस में हमें एटेन्यूएटर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है एटेन्यूएटर में। हमें पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एटेन्यूएटर एंड एप्लीकेशन। हमें डिजाइन करना होगा कि ये टाइप्स ऑफ एटेन्यूएटर में डिजाइन करना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एटेन्यूएटर्स। ओके, सो फादर हम लोग वो देखेंगे। अब ये देखना है एटेन्यूएटर किसे कहते हैं। एटेन्यूएटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। एन एटेन्यूएटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट रिड्यूसेस द पावर ऑफ ए सिग्नल विदाउट एप्रिशिएबली डिस्टॉर्टिंग इट्स वेवफॉर्म। ओके, इसका मतलब है कि वेवफॉर्म को बिना डिस्टॉर्ट किए, बिना खराब किए हुए एटेन्यूएटर एक डिवाइस है जो कि सिग्नल के पावर को रिड्यूस करता है। ठीक है, एटेन्यूएटर जो है वो एक एम्पलीफायर के जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। दोनों के काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करता है, वो एम्पलीफायर के ऑपोजिट काम करता है। जिसे एम्पलीफायर क्या करता है, गेन प्रोवाइड करता है। व्हाइल एन एम्पलीफायर प्रोवाइड गेन, एन एटेन्यूएटर प्रोवाइड्स लॉस और गेन लेस देन वन। ओके, सो एम्पलीफायर हम जानते हैं एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, मतलब गेन प्रोवाइड करता है। एटेन्यूएटर जो है वो क्या करता है, लॉस प्रोवाइड करता है और गेन लेस देन वन प्रोवाइड करता है। एटेन्यूएटर एक क्या है, पैसिव डिवाइस है जो कि किससे बना होता है, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हम लोग पढ़े हुए हैं जो कि हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। और इसका काम क्या है, इसका काम है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी इन सम ऑफ द डिसिपेटिव एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है जो डिसिपेट करते हैं, हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस डिसिपेट करता है ना, तो वो उस एलिमेंट्स में जो है वो एनर्जी को टोटली जो है वो एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, एटेन्यूएटर एक जो है वो एक फंक्शन है, किसका है, फ्रीक्वेंसी का। एटेन्यूएशन डील्स विद द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। एटेन्यूएटर हमें एक्चुअली बेसिकली दो प्रकार के एटेन्यूएटर हमें मिलेंगे, एक फिक्स टाइप एटेन्यूएटर मिलेगा, एक वेरिएबल टाइप। तो फिक्स टाइप एटेन्यूएटर जो है वो कैसा होता है, तो फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स इन अ सर्किट आर यूज टू लोअर वोल्टेज, डिसिपेट पावर एंड टू इम्प्रूव इम्पीडेंस मैचिंग। तो फिक्स्ड एटेन्यूएटर जो होता है वो सर्किट में जो है वो वोल्टेज को घटाता है, पावर को डिसिपेट करता है, जैसे कि इम्पीडेंस मैचिंग हो। मतलब अगर हम सर्किट में लगाएं तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ये वर्क करेगा, इम्पीडेंस मैचिंग करेगा। फिक्स्ड एटेन्यूएटर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। If such type of attenuator absorbs all the energy entering into it, अरे अगर एक fixed type का attenuator है जो कि fixed power provide करता है, अगर वो जितना energy जो है वो provide किया जा रहा है, जो उसके energy उसमें provide किया जा रहा है वो सभी को अगर absorb कर ले और कुछ reflect ना करे, reflect करने का मतलब हो रहा है, reflect करना मतलब ही हो रहा है कि circuit जो है वो सही से टर्मिनेट नहीं है, आउटपुट जो है वो टर्मिनेट नहीं है। हमें पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से अगर सर्किट टर्मिनेट होता है, हमने देखा हुआ था पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से अगर सर्किट टर्मिनेट होता है तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, और एनर्जी लॉस नहीं होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो वैसा जब होता है तो उसको हम लोग वेवगाइड टर्मिनेटर कहते हैं। फिक्स्ड एटेन्यूएटर with a constant attenuation is called a pad. Okay, ये लाइन मैंने बोल्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है हमें शॉर्ट क्वेश्चन में मिलता है कि फिक्स टाइप एटेन्यूएटर जिसका कि कॉन्स्टेंट एटेन्यूएशन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहता है, पीएडी पैड। ओके, और क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी को लेकर डील करता है तो उसको हम बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं जो है वो एक हमें एक तो ये फ्रिक्वेंसी को डील करता है और एक कॉन्स्टेंट एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है एटेन्यूएटर, तो हम लोग इसको डेसिबल से या नेपर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एटेन्यूएशन इन डीबी जो है वो होता है 10 log P1 by P2 to the base 10। ये बेस 10 है। ठीक है,
बेस 10 है, 10 इंटू नहीं है, बेस 10 है। एटेन्यूएशन इन डी बी इक्वल टू 10 लॉग पी वन बाई पी टू टू दी बेस 10, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है हमें। पी वन क्या है, इनपुट पावर है, पी टू क्या है, आउटपुट पावर है। फॉर ए प्रॉपरली मैच नेटवर्क बोथ टर्मिनल पेयर्स आर मैच्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस आर जीरो ऑफ द एटेन्यूएटर। अगर हम चाहते हैं कि जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली टर्मिनेट हो, मैच हो, तो जो टर्मिनल पेयर्स है, मतलब कि इनपुट आउटपुट के जो टर्मिनल्स हैं, वो प्रॉपरली मैच होने चाहिए। किससे होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से होगा, क्योंकि ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट एटेन्यूएशन प्रोवाइड कर रहा है, वैसे एटेन्यूएटर बना रहे हैं, और ये एक पैसिव डिवाइस है और एक रेजिस्टिव नेटवर्क होगा, इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड जीरो को यहाँ आर जीरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, पी वन जो है वो इनपुट पावर है, पी टू क्या है, आउटपुट पावर है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं पी वन बाई पी टू इक्वल टू आई वन स्क्वायर आर जीरो बाई आई टू स्क्वायर आर जीरो। कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर तो क्योंकि इनपुट का रेजिस्टेंस जो है वो भी आर जीरो है और आउटपुट का रेजिस्टेंस वो भी आर जीरो है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो इसलिए पी वन को लिखेंगे आई वन स्क्वायर आर जीरो और पी टू को लिखेंगे आई टू स्क्वायर आर जीरो, आर जीरो आर जीरो कट गया, तो ये बन गया आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, पी वन बाई पी टू इक्वल टू आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग पावर को वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई आर जीरो बाई वी टू स्क्वायर बाई आर जीरो, तो आर जीरो जो कट जाएगा, तो पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर, ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो मेरे पास में दो इक्वेशन में मिल गए, एक इक्वेशन में मिला क्या मिला, एक इक्वेशन एक मिला P1 वन बाई पी टू इक्वल टू आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर, और दूसरा मिला P1 वन बाई पी टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो एटेन्यूएशन इन डी बी, अभी तुरंत हमें फॉर्मूला पता था, क्या फॉर्मूला था हमारा, एटेन्यूएशन इन डी बी इक्वल टू 10 लॉग P1 वन बाई पी टू टू दी बेस 10। अब P1 वन बाई पी टू को हम लोग एक बार आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और एक बार आई वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पी वन बाई पी टू को वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो स्क्वायर था तो ये यहाँ से स्क्वायर टू जो है वो पावर है तो लॉग है, तो ऑब्वियसली जो है पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, 10 से गुना हो गया तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये हो गया 20 लॉग वी वन बाई वी टू टू दी बेस 10। सिमिलरली वी कैन राइट 20 लॉग आई वन बाई टू टू दी बेस 10। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब ये वी वन बाई वी टू एंड आई वन बाई आई टू, इसको हम क्या पकड़ ले रहे हैं, एन, इसी को हम लोग कह रहे हैं एन एटेन्यूएशन। ओके, एन, तो देन ये डीबी में नहीं है, ठीक है, तो देन पी वन बाई पी टू इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। तो अब ये डीबी है, अब डीबी अगर इसी फॉर्मूला को देखें तो एटेन्यूएशन इन डीबी क्या था, डीबी इक्वल टू 20 लॉग आई वन बाई आई टू टू दी बेस 10, तो ये आई वन बाई आई टू को जो है तुम एन से रिप्लेस कर दो, तो वी कैन राइट एन इक्वल टू एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग डीबी बाई 20। So these two formulas are very important. One is dB equal to 20 log I1 by I2 to the base 10, and one is n equal to anti log dB by 20. अगर dB में दिया हुआ रहेगा attenuation, तो dB यहाँ put करोगे और anti log लोगे तो तुम्हें n का value मिल जाएगा, है ना? और मान लो अरे n दिया हुआ है तो यहाँ से dB का value मिल जाएगा। तो ये हमें जब numerical solve करेंगे तो देखेंगे, ये हमें बहुत helpful होगा। ठीक है, तो ये इसको note down करके रखना। अब चलो देखते हैं ये एटेन्यूएटर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली एटेन्यूएटर चार टाइप के होते हैं, क्या क्या है, टी टाइप एटेन्यूएटर है, पाई टाइप एटेन्यूएटर, लैटिस एटेन्यूएटर एंड ब्रिज टाइप एटेन्यूएटर। हमें टी और पाई ये दो पढ़ना है, सिलेबस में आपका टी टाइप और पाई टाइप ही है, मैंने चारों को मेंशन कर दिया है, क्यों, क्योंकि चार टाइप के होते हैं तो जानकारी रखनी जरूरी है, तो यू मस्ट नो दैट देयर आर फोर टाइप्स एटेन्यूएटर्स एंड दीज आर द फोर टाइप्स, ओके, बट यू हैव टू गो थ्रू टी टाइप एटेन्यूएटर एंड पाई टाइप एटेन्यूएटर, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर। सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर कैसा होता है, ये एक्चुअली सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर है। सिमेट्रिकल बोल रहे हैं इसका मतलब हो गया कि सिमेट्रिकल है, टी टाइप है, तो पहले टी सेक्शन ड्रॉ कर लिए, देखो ये टी सेक्शन है, इधर रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस ये है, सीरीज ये है, और ये है पैरेलल वाला शंट रेजिस्टेंस है, देखो ये भी R1 है, R1 है, तो इट बिकम सिमेट्रिकल एंड इट इज R2। ये हो गया सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क। अब ये सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क जो है
क्योंकि हमने कहा था कि जो एटेन्यूएटर होता है वो क्या होता है, पैसिव डिवाइस होता है, तो हम वो रेजिस्टेंस से बनाए हुए हैं, तो ये जो है एक पैसिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। और रेजिस्टेंस क्या है, इसके सिमेट्रिकल है, इसका इसको सिमेट्रिकल बनाने से क्या हो रहा है कि इस टी नेटवर्क को आप जिधर भी घुमा दो, इस तरफ इनपुट रखो या इस तरफ इनपुट रखो, बात बराबर है, घुमा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सिमेट्रिकल टी टाइप सिमेट्रिकल टाइप ऑफ एटेन्यूएटर हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इजी टू फॉलो। ठीक है, समझने के लिए हमें क्या होता है, वो इजी होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ही पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन जो है सिमेट्रिकल से ही आता है, सिमेट्रिकल से क्वेश्चन उस तरह से नहीं आता है। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा तो यार टू हो जाएगा और तो कुछ नहीं होना है, और थोड़ा से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे और क्या होना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल समझते हैं। सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर कैसा बन गया, फिर सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर हो गया R1 R2 और इधर हो गया R2। तो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि जब हम इस एटेन्यूएटर को, क्योंकि हमने कहा था इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है, और ये भी कहा था हमने कि क्योंकि एटेन्यूएटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आउटपुट में जिससे हम टर्मिनेट करेंगे उसी को इनपुट में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से आउटपुट को मैच करना है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है Z0 इक्वल टू R0 हो जाएगा। ठीक है, और एटेन्यूएशन को हम लोग जो है गामा इक्वल टू अल्फा प्लस एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट जो है वो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, जहाँ अल्फा जो है वो एटेन्यूएशन को डिनोट करता है और बीटा जो है वो फेज कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द आर्म्स ऑफ द नेटवर्क कैन बी स्पेसिफाइड, जो आर्म्स होंगे हमें अभी डिजाइन करना है सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर। ठीक है, तो जो आर्म्स जो होंगे नेटवर्क के, आर्म्स क्या है, R1 है सीरीज आर्म और जो है R2 जो है वो पैरेलल आर्म में है। तो वैल्यू ऑफ द आर्म्स ऑफ द नेटवर्क कैन बी स्पेसिफाइड, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 एंड प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट गामा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Z0 इक्वल टू R0 हो जाएगा और गामा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा ही जो है वो एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है। चलो फिर आ जाते हैं, बैक कर जाते हैं हमारे सर्किट में। ये हमारा सर्किट है, ये एक एटेन्यूएटर है। तो एटेन्यूएटर हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, टू मैच द टू नेटवर्क्स। तो इसमें जो है एक जो है वो सेंडिंग एंड होगा, एक रिसीविंग एंड होगा। तो ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। जैसे टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग हमेशा कहते थे कि जो करंट्स होता है वो ऑलवेज इनवर्ड होता है, मैंने बताया हुआ था। तो हम लोग I1 I2 दोनों इनवर्ट रखते थे ना, तो जो लोड से करंट पास होता था वो क्या था, वो अगर I2 डैश था तो माइनस I2 था एक्चुअली। लेकिन यहाँ जो है क्योंकि ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम हो रहा है, तो हम लोग इसको जो है वो यहाँ पर एक सेंडिंग एंड है, एक रिसीविंग एंड है। तो I1 जो है वो इनवर्ट होगा, R2 जो है वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, I2 जो है वो इनवर्ट नहीं होगा। फाइन, चलो। तो अगर ये मेरा सर्किट है तो ये हो गया I1 इनवर्ट, I2 आउटवर्ड। और यहाँ अगर कैसे लगा लो, यहाँ कैसे लगाओ, तो फिर कैसे लगाओगे, क्या होगा, इस नोट पर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ कैसे लगाएंगे, तो मेरा हो गया, देखो यहाँ कैसे लगाए, क्या हो गया, I1 इन I2 आउट। तो फिर इस ब्रांच में कितना करंट हो गया, इन माइनस आउट, मतलब I1 माइनस I2। ठीक है, अब इस लूप 2 में जो है काम करो, KVL लगा दो, इस लूप 2 में KVL लगा दो। लूप 2 में KVL लगाओगे तो KVL लगाओगे क्या होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ये हम जा रहे हैं इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन किस है, ऊपर से नीचे है। तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस, फिर ये देखो फिर देखो ये फिर उसी जिस रास्ते में चल रहे हैं उसी रास्ते में करंट है, तो क्या होगा, I2 इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि R2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू I2 इंटू R1 प्लस R0, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें केवल लगा दिया तो हमारे पास में इक्वेशन आ गया, इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जितना वोल्टेज है इस ब्रांच में उतना ही वोल्टेज है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज दोनों तो पैरेलल है। देखो ये वाला ब्रांच R2 और ये R1 प्लस R0 दोनों पैरेलल है, एक ही बात है, या तो केवल लगा दो या दोनों इन दोनों ब्रांच को चेक करो कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों के वोल्टेज सेम है। वोल्टेज मतलब हो रहा है करंट इंटू वोल्टेज, करंट कितना है I1 इंटू I2 इंटू R इक्वल टू I2 इंटू R1 प्लस R0। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर I1 सबको एक तरफ कर लो, I1 को दूसरी तरफ कर दो,
तो मेरे पास आ जाएगा I2 into R1 plus R2 plus R0 equal to I1 into R2. तो अब डिवाइड करो I1 by I2 equal to R1 plus R2 plus R0 by R2 equal to N. ठीक है, क्यों N लिखे? क्योंकि हमने पहले बताया था I1 by I2 को हमने क्या माना हुआ था? N. V1 by V2 को भी N माना हुआ था, है ना? तो ये N हो गया. तो हम लोग जहां भी हमें ये वाला टर्म मिलेगा R1 plus R2 plus R0 by R2, we can replace it with N. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या हो गया एटेन्यूएटर का? क्या है? R0 है, और वही जो है वो लोड इंपेडेंस का भी काम कर रहा है. तो फिर मेरा क्या हो गया? अब ये R0 का वैल्यू फिर कितना होगा? देखो यहाँ से ये तो मुझे इस इक्वेशन से तो N का वैल्यू मिल गया, N का वैल्यू ये मिल गया. अब हम यहाँ से निकालते हैं इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, R0 से टर्मिनेट किया हुआ है, R1 plus R0 सीरीज में है, वो पैरेलल है R2 के, वो साथ में है सीरीज R1 के. तो R1 plus R2 parallel to R1 plus R0, वही किया हुआ देखो, R1 plus R2 parallel to R1 plus R0. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फिर R0, इसका मतलब ये हो गया R0 के R1 plus ये है R1 plus R0 into R2 हो गया, R1 plus R0 into R2 by R1 plus R2 plus R0, है ना? तो इसको अब ये अगर है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम n का वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू कितना है? R1 plus R2 plus R0 by R2 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पुट करेंगे वैल्यू n का, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा R1 इक्वल टू R0 into n minus 1 by n plus 1. वही है देखो, R0 into n minus 1 by n plus 1. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया. R0 फॉर्मूला हो गया. क्यों फॉर्मूला हो गया? क्योंकि हमें जो है वो क्या दिया हुआ, n का वैल्यू दिया हुआ है. n वी नो, हम लोग n पता है कि n कितना है. ठीक है, अगर n दिया रहेगा इसमें एग्जाम में, n दिया रहेगा और क्या दिया हुआ रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दिया रहेगा. मतलब क्योंकि एक एटेन्यूएटर बनाना है तो मुझे कितना एटेन्यूएशन चाहिए और कितना लोड इंपेडेंस या जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना होगा वो दिया हुआ रहेगा. तो उन दोनों के टर्म में हमें R1 और R2 का वैल्यू निकाल करके एक एटेन्यूएटर डिजाइन करना पड़ेगा. इसका मतलब है R1 जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ R0 एंड N होगा और R2 भी जो है वो R0 और N के टर्म में ही होगा. ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ गया, R1 इक्वल टू R0 इंटू N माइनस 1 बाय N प्लस 1. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ जाओ इस इक्वेशन में R1 प्लस R2, अब मुझे R1 निकल चुका है, अब मुझे एक्चुअली R2 निकालना है. ठीक है, तो अब इसके हेल्प, इस इक्वेशन के हेल्प लेते हैं. R1 प्लस R2 प्लस R0 बाय R2 इक्वल टू N, तो इस R2 को N से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये आ जाएगा N इंटू R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 प्लस R0. इस R2 को इस साइड लेके आ जाओ और कॉमन ले लो R2, तो क्या हो गया N माइनस 1 इंटू R2 इक्वल टू R1 प्लस R0. और फिर क्या बचा देखो, यहाँ जो है मेरा अभी इस R2 यहाँ रहना, तो उसको R1 यहाँ पर मुझे R2 निकालना है. इन टर्म्स में क्या निकालना है? R0 और N. तो देखो इसमें केस में मुझे किसको हटाना पड़ेगा? R1 को हटाना पड़ेगा. तो R1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे R1 का वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R2 एज दिस. ये मिलेगा हमें R2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो N माइनस 1 इंटू R2 इक्वल टू 2N R0 बाय N स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा? R2 का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग एक इसे इसके हेल्प, इसका मतलब है अगर हमें R1 का वैल्यू पता चल गया, R2 पता चल गया, तो हम लोग एक टी टाइप सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर जो है डिजाइन कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन आता है कि डिजाइन करने देता है कि टी टाइप एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर डिजाइन करो, और न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें कि आप लोगों को टी टाइप एटेन्यूएटर डिजाइन करना होता है. उसमें R0 का वैल्यू दिया रहता है और एटेन्यूएशन दिया रहता है. ठीक है, कभी कभी वो डीवी में दिया रहता है, कभी वो एन के टर्म में दिया रहता है. फाइन, चलो तो लास्ट जो है हम लोग अब जानेंगे एटेन्यूएटर के एप्लीकेशन. तो मैंने बता ही दिया था कि एटेन्यूएटर जो हम लोग क्या कर रहा है, वो एटेन्यूएट कर रहा है, मतलब पावर प्रोड्यूस कर रहा है या वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है. तो एटेन्यूएटर का मेनली जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में ही होता है. हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन में ही सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है. वो एक तो रेजिस्टिव एटेन्यूएटर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल के जैसा यूज होता है. ठीक है, वेरिएबल एटेन्यूएटर लेबोरेटरी में यूज होता है. फॉर व्हाट? फॉर फाइंडिंग द स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर टेस्ट पर्पस. ठीक है,
अगेन रेजिस्टिव रेजिस्टेंस रेजिस्टिव एटेन्यूएटर जो है वो मैचिंग डिवाइस काम करता है बिटवीन डिफरेंट रेजिस्टिव इम्पिडेंस. ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज वैल्यूज. आरएफ एटेन्यूएटर रेडियो फ्रिक्वेंसी एटेन्यूएटर जो है वो क्या करता है प्रोटेक्टिव वो क्या यूज में आ रहा है प्रोटेक्टिव डिसिपेशन ऑफ द पावर इन मेजरिंग आरएफ सिग्नल. तो आरएफ सिग्नल मेजर करते समय जो है कितना सा पावर डिसिपेट होगा उसको कंट्रोल करता है आरएफ ट्यूनर. ठीक है. सिमिलरली ऑप्टिकल एटेन्यूएटर के रूप में भी यूज होता है. कहाँ यूज होता है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में. ठीक है. तो ये सारे सारे एप्लीकेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जो है वो याद रखना है. और ये क्वेश्चन भी आता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना होता है एटेन्यूएटर के क्या क्या एप्लीकेशन है. तो यू विल गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स और अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको लिखिएगा. और आई थिंक आप लोग को कम से कम जो है एटेन्यूएटर किसे कहते हैं एटेन्यूएटर टाइप क्या है एटेन्यूएटर के एप्लीकेशन क्या है और कैसे टी टाइप एटेन्यूएटर डिजाइन करना किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आ गया है. नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पाई टाइप एटेन्यूएटर समझाऊंगी और उसके डिज़ाइन भी करना दिखाऊंगी. ठीक है. तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जैसे कि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए. ओके थैंक यू. एंजॉय योर टाइम.